आज प्रकृति सेवा समिति के तत्वाधान में तिलक राष्ट्र प्रेम प्रकृति पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हेतु समर्पित कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस मुरादाबाद में आयोजित किया गया। मिट्टी तिलक कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी सरदार गुरविंदर सिंह ने की। मिट्टी तिलक की शुरुआत एडवोकेट रमेश आर्य ने मिट्टी तिलक करके की, फिर बारी बारी सभी ने एक दूसरे को मिट्टी तिलक किया और राष्ट्र प्रेम प्रकृति पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हेतु एक साथ मिलकर कार्य करने पर बल दिया। पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल ने मिट्टी तिलक कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि ये मिट्टी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा नैनागिरी से लाई गई है और बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान के तहत 2 दिन के मंथन शिविर में डॉक्टर धर्मेंद्र व समस्त प्रकृति पर्यावरण प्रेमियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि सभी प्रकृति पर्यावरण प्रेमी और मित्र अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मिट्टी तिलक करेंगे और प्रकृति पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हेतु सभी को एकजुट करने के लिए संदेश देंगे। इस अवसर पर एडवोकेट रमेश आर्य ने मुरादाबाद में दीपावली पर होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए भी चर्चा की। वरिष्ठ समाज सेवी सरदार गुरविंदर सिंह ने प्रकृति पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हेतु मिट्टी तिलक जैसे कार्यक्रमों को जलवायु और जंगल जमीन से जुड़े रहने हेतु उनके संरक्षण के साथ ही सराहनीय कदम बताया। मिट्टी तिलक कार्यक्रम के अवसर पर कायस्थ महासभा की अध्यक्षा नीतू सक्सेना ने प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के साथ ही सामाजिक सेवा में भी अपना योगदान बनाए रखने के लिए पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल और पर्यावरण प्रेमी रविता पाल को पगड़ी और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। मिट्टी तिलक कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी सरदार गुरविंदर सिंह एडवोकेट रमेश आर्य प्रकृति सेवा समिति की संरक्षिका नीतू सक्सेना अध्यक्षा पर्यावरण प्रेमी रविता पाल कोषाध्यक्ष मीजा प्रभारी युवा पर्यावरण चिंतक शुभम कश्यप संगठन सचिव प्रदीप कुमार सिंह डॉक्टर महिमा गुप्ता परिवर्तन द चेंज के संस्थापक कपिल कुमार नीता दयाल दक्षता पाठक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही रवि कुमार फाउंडेशन के मनोज कुमार रवि युवा उत्थान समिति के शैलेश भारतीय और ठाकुर सौरभ भारतीय एहसास फाउंडेशन के फुरकान हबीब डॉक्टर संदीप वर्मा योग शिक्षिका पूनम चौहान राजेश चौहान बाल प्रकृति प्रेमी यवन पाल बाल प्रकृति प्रेमी गुंजता पाल आदि उपस्थित रहे। प्रकृति सेवा समिति के अध्यक्षा पर्यावरण प्रेमी रविता पाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। ये आज जो है मिट्टी तिलक का कार्यक्रम राष्ट्र प्रेम प्रकृति पर्यावरण को संरक्षित और समर्पित कार्यक्रम प्रकृति सेवा समिति के तत्वाधान में मुरादाबाद शहर और ज़िले के सभी प्रकृति पर्यावरण और सामाजिक सम्मानित जनों ने मिलकर यहाँ मिट्टी तिलक किया। और जो अभी दीपावली आने वाली है, हम सभी जानते हैं कि मुरादाबाद का जो प्रदूषण का लेवल है वो देश में नंबर वन रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं कम करने के उद्देश्य से कम अगर हम कम ना कर सकें तो बढ़ाने में भी अपना योगदान ना दें, और जो भी हम कर सकते हैं अपने स्तर से वो कार्य हमें करना चाहिए। और इससे यहाँ संदेश दिया गया कि अभी हम बक्सवा गए थे मध्य प्रदेश में, वहाँ पर लगभग 2.5-2.5 लाख वृक्षों को काटा जा रहा है और हीरे का खनन वहाँ किया जाएगा, तो वहाँ पर ये परिकल्पना और ये कार्य योजना बनाई गई कि हम अपने क्षेत्र में जाएंगे जहाँ जहाँ रहते हैं और मिट्टी तिलक अभियान लोगों को बताएंगे कि जल वायु जंगल जमीन से हम जुड़े हुए हैं, इसी मिट्टी में हमें मिल जाना है। और कहा भी गया है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जहाँ के हिंदुस्तान की, और इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की और ये मिट्टी हमारे लिए एक अमृत से कम नहीं है, सारा सोना इसमें है, हम इसी में रहते हैं, इसी में जन्म लिया है और इसी में मिल जाना है। अतः इसके सम्मान के लिए हमें जो है सभी को मिलकर एकजुट रहना होगा, प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के लिए हमको जो है सबको जन जन को बताना है और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करना है।